हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। घर बनाने के बाद घर में रंग कराने से उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं रंग करवाने के लिए भी आपको वास्तु नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। घर में पीले रंग का इस्तेमाल करने से बेहद ही लाभकारी माना जाता है। यह रंग शुभता का प्रतीक है। किसी भी मांगलिक कार्य में किए जाने वाले माथे पर तिलक से लेकर शादी में हल्दी की रस्म तक पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह अपने घर में शुभता का संचार करने के लिए पीले रंग का इस्तेमाल करना एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन वास्तु नियम के अनुसार पीला रंग दिशा के अनुसार करना चाहिए। आइए जानते हैं किस दिशा में पीले रंग का उपयोग करना चाहिए और किस दिशा में ये रंग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य हानि हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व की दीवार पर पीले रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ पर बहुत अधिक गहरे पीले रंग का इस्तेमाल ना किया जाए। आप जहाँ पर डबल टोन कलर कराने का प्रयास कर रहे हैं, अकेला रंग शुभ नहीं माना जाता। हर रंग की अपनी एक दिशा और स्वामी होता है। पीले रंग का स्वामी बृहस्पति है। यह आपके ज्ञान और बुद्धि प्रदान करता है, इसलिए पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए इसे उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। हालांकि यहाँ पर भी आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप सिर्फ पीले रंग का ही इस्तेमाल ना करें। अगर ईशान कोण में पीले रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसे सुख समृद्धि व मन की शांति मिलती है। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में पीले रंग का पेंट करवाने से इस रंग से जुड़े दिशाओं के तत्वों को हानि होती है, इसलिए भूलकर भी इस दिशा में पीले रंग ना करवाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अग्नि कोण में पीला रंग करवाने से हानि होती है। दक्षिण पूर्व दिशा में पीला रंग करवाने से माता को हानि पहुंचती है। इससे गृह स्वामी को पेट की तकलीफ शुरू हो सकती है, उसे जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह हमने बताया कि आपको अपने नए घर में नई दीवारों पर किस दीवार की ओर, किस दिशा की ओर कौन सा रंग करवाना चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।